अभी हम निकलते हैं कंपनी के लिए जहाँ पे हमारी इंटर्नशिप होती है। हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में ये खास होने वाला है कि आज हम जा रहे हैं इंटर्नशिप के लिए जॉब पर। पहले मेरा इंटर्नशिप उसमें लग गया था, क्या बोलते हैं, ONGC में लग गया था। तो एक लोचे आ गया कि ONGC में तब तक कर सकते हैं अगर आप 6 मंथ के लिए हो, मतलब 6 मंथ के लिए वहाँ पर इंटर्नशिप करना था मिनिमम। और हम लोग को कॉलेज वाले बोल के रखे थे 1 ही महीना कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो अब मैंने दूसरी कंपनी में सोर्स लगाया, JP ग्रुप, जो हमारे अंकलेश्वर में बहुत फेमस कंपनी है, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है। तो हमने उस कंपनी में अपना सोर्स लगा के उसमें हम लोग जा रहे हैं। तो आज मेरा पहला दिन है, तो अपनी गाड़ी वाड़ी अभी स्टार्ट साफ अप करके निकलते उधर के लिए। तो मिलते हैं कंपनी के अंदर। दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से घूमने, मगर अभी नीचे बहुत सारे सर हैं। तो आप लोग अभी ये सोच रहे होगे इस कंपनी में होता क्या है। बेसिकली नॉर्मल सी बात है, एक आपने चावल की बोरी देखी है नहीं, वो कैसे प्लास्टिक की होती है, वो ऐसे ही प्लास्टिक बैग बनाते हैं। ये मशीन, तो यहाँ पे मशीन मैन्युफैक्चर होता है, तो इलेक्ट्रिक का ये काम है कि पैनल बनाना है इसके अंदर। फाइनली मैं तो पहुंच गया कंपनी में इंटर्नशिप करने, बट मैंने आपको एक चीज तो बताया नहीं कि मुझे इंटर्नशिप कैसे मिली। 2000 years later, चलो उसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डिप्लोमा के 5th सेम में बैकलॉग क्लियर करने के बाद मेरे पूरे एडमिशन में 7 महीने बाकी थे। तब मैंने सोचा फ्री टाइम पे मैं क्या करूँ, एंजॉय कर लूँ या नॉलेज ले लूँ। फिर उसमें से मैंने एक चीज चॉइस की, नॉलेज ले ली। उसका रीजन भी बहुत सिंपल है, मगर फिर कभी हम लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। हाँ, तो ज्ञान लेने के लिए मुझे चाहिए था कोई कंपनी या फिर कोई ठेकेदार, मतलब कोई कॉन्ट्रेक्टर। तो फिर मैंने अपने मामा को बताया कि मुझे ना थोड़ा सा 5-6 महीना जॉब करना है, तो आपको एक कंपनी बताओ। तो मेरे घर से कुछ किलोमीटर दूरी क्या बोलते एक कंपनी थी जैको, तो उधर पे मैं इंटरव्यू देने गया और तुम्हारा मैं सिलेक्ट भी हो गया। फिर मुझे पूछा गया कि आज से जॉब करोगे कल से करोगे, तो मैंने बोला कल से करता हूँ। तो बोले कि 9 बजे आ जाने। तो नेक्स्ट डे मैं 9 बजे कंपनी पहुंचा, तो मेरे को ना साइन वाइन करा के मेरे को वॉचमैन बोलता है कि तुमको 3rd फ्लोर में जाना है, सर ने बोला है। सर ने बोला, तो मैंने बोला ठीक है। उधर क्या है, बोलते उधर पे इलेक्ट्रिक रूम है और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है और पैनल रूम है। फिर मैं जैसे कंपनी के 3rd फ्लोर में पहुंचा जहाँ पे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट थे, वहाँ पहुंचने के बाद मुझे मेरा एक दोस्त मिला, मतलब मेरे दोस्त का दोस्त मिला, नितिन जी का दोस्त अजय। यहाँ मुझे कभी अकेलापन नहीं लगा, मानो कि मैं घर पे हूँ सारे दोस्त लोग के साथ, मतलब काम भी करते थे और मस्ती भी करते थे। मैं तो चला गया जॉब करके 5 महीने के बाद, मतलब मैं 5 महीना वहाँ जॉब किया। फिर मैं चला गया पारुल यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने, क्योंकि मेरा एडमिशन चालू हो गया था। तो फिर मैं उधर चला गया और इन लोग सब कंपनी में थे क्योंकि इन लोगों की पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, मेरे साथ थोड़े कुछ ज्यादा ही साल बड़े थे ना, इसकी वजह से। पूरे 2 साल बाद कॉलेज वाले ने बोला कि तुमको कंपनी में इंटर्नशिप करना है। फिर मेरे मन में तो लड्डू फूटने लगा कि मैं तो एक कंपनी में इंटर्नशिप करके बैठा हूँ, तो मेरा वहाँ पहचान पहले से ही है। इंटर्नशिप मिलना मेरे को बहुत आसान हो गया कि मेरे वहाँ पे MD से मैंने मतलब कुछ उंगली भी नहीं की थी, झगड़ा वगड़ा भी नहीं किया, प्लस मैंने उन लोग से उनका काम भी एकदम अच्छे से करके दिया टाइम टू टाइम। तो मेरा एक ही बार में सिलेक्शन हुआ कि हाँ ठीक है आ जाए, इस बार इंटरव्यू कुछ नहीं हुआ हम लोग का। इस बार मैं कंपनी में गया जैसे, तो इधर अजय सोनू कोई नहीं थे, मतलब संदीप वंदीप कोई नहीं थे, क्योंकि इन लोग सब एक ही करके जॉब छोड़ चुके थे, क्योंकि सबकी सैलरी बढ़ रही थी, इन लोग की सैलरी के वैल्यू कम था, इसकी वजह से इन लोगों का रीजन ऐसा था कि पैसे के मामले में छोड़ दिया और कोई पर्सनल रीजन से भी छोड़ दिया था। तो वहाँ कंपनी में खाली 2-3 इंजीनियर लोग बचे और मैं बचा। तो मैं पूरी कंपनी में जाके क्या करता हूँ, खाली जाके सोता हूँ, ढूंढता हूँ जगह, ढूंढता हूँ, फोन चला तो कुछ नहीं करता। पूरे 1 महीना में अब यही करने वाला हूँ। तो यही है मेरा इंटर्नशिप, मतलब फर्स्ट डे इंटर्नशिप में वो इतनी आसानी से कैसे मिल गई। तो पूरे दोपहर को, मतलब क्या बोलते, 10 बजे चाय आ जाती है, फिर 4 बजे एक चाय आ जाती है, फिर दोपहर को मैं खाना खाने घर पे आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से कुछ किलोमीटर ही दूर है ना, इसके वजह से। तो आपको कैसा लगा ये फुल ब्लॉग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। जी करदा कपताना हाँ जलसे नचने तो मेरा जी करदा जी करदा जी करदा कपताना हाँ जलसे।